हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी हमारी बड़ी मज़ेदार स्टार्टर है, बहुत बेहतरीन स्टार्टर है। और आज हमने बनाया है मटन बोटी सीख कबाब। जी हाँ फ्रेंड, ये एक बेहतरीन स्टार्टर है, चाहे तो आप साइड डिश में भी ले सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान, आपको यकीन नहीं होगा कि इतना बेहतरीन सीख कबाब घर में भी बन सकता है। तो उसके लिए लिया है कुछ बोनलेस मटन। हमने बोनलेस मटन 500 ग्राम लिया है। ये देखिए, इस तरह की बोटियाँ हैं, पसंदे की तरह ये पतले पतले फैला लिए हैं। चाहे तो आप बूचा से कह के फैला बनवा लें इस तरह के, या नहीं तो आप घर में भी बना सकते हैं। तो कुछ अगर आप घर में बनाना है तो उसके लिए मैंने कुछ बोटियाँ अलग से रख ली हैं, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरह से बोटियों को खोल सकते हैं, यानी कि फैला सकते हैं पसंदे की तरह। तो ये एक गोल बोटी है, देखिए इससे सीख कबाब बनाने में दिक्कत आएगी और गोश्त भी अच्छी तरह नहीं गलेगा। तो अब हमें इस बोटी को खोलना है, तो एक तेज़ चाकू ले लीजिए और हाथ बचाते हुए करिएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम बीच में थोड़ा सा काट लेंगे। और देखिए इस तरह से साइड में थोड़ा सा कट लगाते हुए बोटियों को हम फैला देंगे। तो बस हमें ध्यान रखना है कि चाकू तेज़ हो और लेकिन हाथ में ना लगे। तो ये इस तरह से हमें बोटियों को फैला करके बना लेना है सीख कबाब के लिए। एक और दिखा देती हूँ आपको। बहुत आराम से धीरे धीरे हाथ चलाइएगा, बहुत ज़्यादा कोई जल्दी नहीं है। ये देखिए इस तरह से बहुत इजीली कट जाता है, चूँकि बोनलेस है तो कोई दिक्कत नहीं आती है हमें बोटियों को खोलने में। तो ये देखिए, ये दूसरी बोटी भी हमने तैयार कर ली। तो इसी तरह की बोटियां हमें तैयार कर लेनी है। चलिए अब चलते हैं हम मैरिनेशन की तरफ। पहले करेंगे हम फर्स्ट मैरिनेशन। तो उसके लिए हमने गोश्त में डालना है नींबू का रस। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नींबू का रस और डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा सरसों का तेल, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और फिर इसको हाथ से 2-3 मिनट तक हमें इसी तरह से मिलाते रहना है। तो जब तक अच्छी तरह से मैरिनेशन ये नहीं होगा और अच्छी तरह से हम हाथ से नहीं मिलाएंगे, हमारा मैरिनेशन भी ठीक नहीं होगा और कबाब के मज़े में भी फ़र्क आएगा। तो इसी तरह 2-3 मिनट तक हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढक करके 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। चलिए 10 मिनट हो गए हैं। अब शुरू करते हैं हम सेकंड मैरिनेशन। तो उसके लिए हमने डाला है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल देंगे, ज़रा सा कलर आ जाएगा। और ज़ायके के हिसाब से नमक मिला लीजिए, आप जितना भी नमक खाते हो। और 1 चुटकी भर हम डालेंगे रेड फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर डालने से थोड़ा सा कबाब में अच्छा सा कलर आ जाएगा, बस यही मकसद है और कुछ नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम डालेंगे ये है कच्चे पपीते का पेस्ट। तो कच्चे पपीते को छिलके समेत हमने पीस लिया था और उसके पेस्ट को 2 बड़े चम्मच यानी 2 टेबल स्पून हम डाल देंगे गोश्त में। तो कच्चे पपीते का काम है गोश्त को नरम करना, सॉफ्ट करना। तो कबाब बनाने से पहले ये उसमें हम मिलाते हैं। अगर आपके पास कच्चे पपीते का पेस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप कच्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। कच्ची पाउडर आपको कहीं भी किसी भी किराना स्टोर में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो 1/2 किलो गोश्त में 1 टेबल स्पून कच्ची पाउडर आप डाल सकते हैं। तो कच्चा पपीता भी मीट टेंडराइज़र का काम करता है, इसीलिए कबाब में मिलाना ज़रूरी है। अब ढक करके इसे हम 15-20 मिनट तक छोड़ेंगे। बहुत से लोग 2-3 घंटे छोड़ देते हैं, तो उतना देर छोड़ने से कबाब हमारे बहुत ही नरम सॉफ्ट हो जाते हैं और पकाते वक्त ही वो गिरने लगते हैं पैन से। ये लिया है हमने 1 बड़े प्याज का पेस्ट। तो उसे हमने छान लिया था, पानी निकाल लिया है और प्याज का पेस्ट जिसका पानी निकाला हुआ है उसे भी मिला देते हैं। और मिक्स करके
अब हम इसे छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए। चलिए ये मिक्स कर लिया हमने। अब हमने लिए हैं कुछ वुडन स्क्यूअर्स। आज तो हम आज बनाएंगे वुडन स्क्यूअर्स पे अपने सीख कबाब। आइए कैसे हम लगाएंगे स्क्यूअर्स में आपको ये दिखाते हैं। बड़ी आसानी से लगा ये प्रोसेस है, कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप वीडियो देखते जाइए और ये प्रोसेस फॉलो करते जाइए तो आपके कबाब भी ऐसे ही लजीज मज़ेदार बनेंगे। ये देखिए एक साइड से हमने डाला स्क्यूअर, उधर से निकाल लेंगे, यानी कि पिरोया है हमने बोटियों को वो इस तरह से। तो इस तरह से हमें कबाब के सीक को इसी तरह से गूंथ करके बोटियों को चढ़ाना है। ये देखिए बस इसी तरह से करना है। तो हो गया ना तैयार बड़ी आसानी से। बस इसी तरह से हमें एक आध बोटी और लगा लेनी है। तो ये तैयार हो गया हमारा एक स्क्वायर्स। ये लीजिए सारे स्क्वायर्स को हमने तैयार कर लिया है। अब चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। कुछ बोटियाँ हमने छोड़ दी हैं, तो आप इसे डायरेक्टली पैन में भी पका करके ये बोटियों के शक्ल में भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर लगाया जाए। तो तेल को हमने गर्म कर लिया है, मीडियम हॉट तेल है हमारा, और हीट को हम मीडियम ही रखेंगे। अभी लो नहीं रखिएगा वरना बोटियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी, और हाई रखने से हमारे कबाब जलने शुरू हो जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे अलटते पलटते हुए पकाएंगे, और कहीं ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा भी देंगे ताकि कबाबों पे अच्छा सा कलर आ जाए बोटियों पर। तो ये देखिए कबाब तैयार होने पर आ चुके हैं, बोटियाँ दोनों तरफ से बहुत अच्छा कलर आ गया है। और एक बैच को बनाने में हमें 4 से 5 मिनट लगे। ये देखिए बोटियाँ बड़ी अच्छी तैयार हुई हैं, कुछ बोटियाँ निकल भी गई हैं, तो इसका मतलब है कि कबाब बहुत अच्छी तरह तैयार हुआ। आइए दूसरे बैच को डालते हैं। तो ये तैयार हो गए हमारे सारे मटन बोटी सीख कबाब। ऊपर से हम थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ बटर या घी लगा देते हैं ब्रश की मदद से। हल्का सा लगा देने से शाइनिंग भी आती है, टेस्ट में भी फ़र्क आता है। तो ये एक बेहतरीन स्टार्टर है, आप चाहिए तो साइड डिश की तरह भी आप इसे ले सकते हैं। कबाब हमारे बहुत टेंडर और जूसी है, ये देखिए हाथ से ही टूट रहे हैं, बहुत बेहतरीन तैयार हुए हैं कबाब। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इन्ग्रीडियंट्स डालिएगा और फॉलो कीजिएगा रेसिपी, तो ये कबाब आपके भी ऐसे ही बनेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और रेसिपी कैसी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसे हम चटनी सलाद के साथ सर्व करेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।